तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं सहायक कोषकार लेखाकार यानी कि ग्रुप सी की फाइनल कट ऑफ के बारे में, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं जो जनरल ओबीसी एससी एसटी और पीएच फीमेल की जो फाइनल मेरिट है वो कितने जाने वाली है। चलिए, हमें कुछ कमेंट मिले हैं जिसमें उन्होंने कुछ अपने नंबर हमें कमेंट बॉक्स में बताए थे जो हमने कल वीडियो डाला था उसमें। चलिए ये जो हैं थोड़ा सा नंबरों के बारे में आपको हम बता देते हैं कितने किसके नंबर अधिकतम नंबर जो आए हैं वो कितने कितने स्टूडेंट के हैं। ये हमें कमेंट किया है अमित पटेल ने और इन्होंने बताया है इनके 95 मार्क हैं ग्रुप सी के लिए, जो इनके 95 मार्क हैं ग्रुप सी के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो दूसरा कमेंट आया है उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने बताया है ये हैं दिव्यांश राय, इन्होंने हमें कमेंट किया है, इन्होंने बताया है इनके जो नंबर हैं वो 90 नंबर हैं। ये हमने जो नंबर लिए हैं हाईएस्ट नंबर लिए हैं सबके, तो इनके 90 नंबर हैं। अब चलिए आगे बता देते हैं हम, एक कमेंट और आया है हमारे पास। देखिए इन्होंने कमेंट किया है, अजय देवगन नाम है इनका, और इन्होंने बताया है हमें कि इनके जो नंबर हैं वो 96 नंबर हैं, यानी कि जो इनके नंबर हैं वो 96 नंबर हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करें, जो दूसरा कमेंट आया है हमें आया है तो इनके 95 नंबर हैं, यानी कि ये अमित पटेल हैं दूसरे, इन्होंने कमेंट करके हमें बताया है इनके 95 नंबर हैं बिना ओ लेवल के ग्रुप सी के लिए। चलिए अब आगे बात करें तो ये मनु यादव हैं, इन्होंने हमें कमेंट करके बताया है कि जो इनके नंबर हैं वो 104 नंबर हैं, इनके अधिकतम नंबर जो हैं हम वही लिए हैं हमने, तो इनके जो नंबर हैं वो 104 नंबर हैं। अगला कमेंट आया है हमें अमित पटेल हैं, इन्होंने कमेंट किया है, इन्होंने बताया है हमें जो इनके नंबर हैं 495 नंबर हैं, जो इनके बिना अवेलेबल के यानी कि ग्रुप सी के लिए ही बताया है इन्होंने भी। आगे बात करें तो ये गर्ल हैं, इनका नाम निधि द्विवेदी है, इन्होंने बताया है जो इनके नंबर हैं और हमें कोई कमेंट नहीं मिला गर्ल की तरफ से, जो अधिकतम कमेंट मिला है केवल यही मिला है, और ये भी इन्होंने ग्रुप सी के लिए किया था, इनके 64 नंबर हैं। अब बात करें हम, एक कमेंट और आया है हमें, ये आया है अविनाश पटेल का, और इन्होंने जो बताया हमें जो ये ओबीसी कैटेगरी के हैं जो इन्होंने अप्लाई किया था वो सी और बी ग्रुप के लिए अप्लाई किया था, जो इनके नंबर हैं वो 123 नंबर हैं, ये हाईएस्ट नंबर, इससे अधिकतर नंबर का कमेंट हमारे पास अभी कोई नहीं आया है, 123 नंबर हैं इनके, ये ओबीसी कैटेगरी के हैं। आगे बात करें तो ये मनु यादव हैं, जो इनके नंबर हैं वो 104 नंबर हैं, इन्होंने हमें कमेंट करके बताया है। अब बात करें तो ये रवि पांडे हैं, जो इन्होंने बताया है ये पीएच कैटेगरी के हैं, और इन्होंने जो हमें कमेंट करके अपने नंबर बताए हैं वो इनके 96 नंबर हैं, जो इन्होंने हमें बताया है ग्रुप सी के लिए ही हैं ये भी। आगे हमें कमेंट मिला है ये बिरस, इनका नाम धीरज शर्मा है, जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो इनके नंबर हैं वो 111 हैं, इन्होंने हमें कमेंट करके बताया है बिना ओ लेवल के, यानी कि ग्रुप सी के लिए ही हैं ये भी। अब चलिए हम, बहुत सारे कमेंट हैं हमें जो हमने जो लिए हैं ये अधिकतम नंबरों के कमेंट लिए थे, इससे कम नंबरों के हमने कमेंट नहीं लिए थे, ये बहुत कमेंट आए थे हमारे पास नंबरों के लेकिन कम थे वो, ये हमने इसलिए अधिकतम नंबरों के कमेंट लिए हैं। तो अब बात करें हम जो जनरल ओबीसी एससी एसटी और पीएच फीमेल की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, उसी को ध्यान में रखकर हमने ये कट ऑफ बनाई है। चलिए जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है अगर उसकी बात करें जो ग्रुप सी के लिए, तो उसकी जो कट ऑफ है अधिकतम वो 110 के आसपास ही रहेगी, 110 के आसपास ही रहेगी, और इसमें अगर आप अधिकतम यानी कि 5 नंबर प्लस माइनस के आसपास ही अंतर रखिएगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा क्योंकि इसमें इंटरव्यू की वजह से ऐसा हो सकता है, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 110 के आसपास ही रहेगी। अगर बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 105 के आसपास रहने वाली है, इसमें भी आप 5 नंबर प्लस माइनस रखिएगा
क्योंकि जो इंटरव्यू का है उसकी वजह से नंबर थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ है वो 100 के 100 नंबर के आसपास रहेगी, और इसमें भी आप प्लस 5 माइनस प्लस रखिएगा और इससे ज़्यादा अंतर इसमें भी नहीं आने वाला है। अगर बात करें एसटी की, तो एसटी की जो कट ऑफ है वो 95 के आसपास ही रहेगी, जो एसटी की कट ऑफ है वो लगभग 95 के आसपास ही रहेगी, इसमें भी आप 5 नंबर का डिसबैलेंस रखिएगा इंटरव्यू की वजह से। अगर बात करें हम पीएच कैंडिडेट की, तो पीएच कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो लगभग 90 के आसपास रहेगी, जो पीएच की कैंडिडेट की जो मेरिट है वो लगभग 90 के आसपास ही रहेगी, इसमें भी 5 नंबर के आसपास ही डिसबैलेंस रहेगा, ज़्यादा नहीं रहने वाला है। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की भी जो मेरिट है लगभग 90 के आसपास ही रहने वाली है, इसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। और जो इसमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें कोई पोस्ट ऐसे नहीं है, लेकिन उसी में से डिवाइड करी जाएंगी उसकी मेरिट के हिसाब से ही, तो इसमें भी अधिकतम जो नंबर है आपका वो 5 नंबर का डिसबैलेंस रहने वाला है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।